जी थंबनेल से आपने देख लिया होगा, ये मैं आपको स्टोव दिखा रहा हूँ। ये चाइना इंपोर्ट स्टोव है, ये एलपीजी पे भी चल जाता है और एनजी पे भी, ठीक है। ये डबल नाली वाला बर्नर है इसके अंदर, ठीक है। एक मतलब के अंदर टिक्की बनी हुई है, एक बाही वाली साइड पे बनी हुई है। और दूसरा ये है कि ये ऑटो है, इसके अंदर सेल की भी जरूरत नहीं है। तीसरा ये है कि इसके नीचे पाँव लग जाते हैं 1-1.5 इंच के। ये स्लिम बॉडी में है, मतलब कि अभी लेटेस्ट है। जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकॉन पर प्रेस करें ताकि आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिल सके, आप मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सके, ठीक है। और इसमें यह है कि इसका वेट भी ठीक होता है, और ये पीछे से आप देख सकते हैं इसके नीचे कोई प्लेट वगैरह नहीं होती ये। और सबसे ये है कि ये बर्नर के नीचे ये दो पत्तरियाँ आपको नज़र आ रही हैं, इसका फ्लेम कंट्रोल करने के लिए है, ठीक है। और इसका ये है कि जब इसको आप यूज़ करते हैं तो इसका जो फ्लेम है वो राउंड शेप में आएगा। इसकी वीडियोस भी मेरे पेज पे टेस्ला होम अप्लायंसेस के नाम से पेज है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस भी मिल जाएंगी। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में इनको चला के इनका फ्लेम भी मैं आपको दिखाऊँ कि इनका फ्लेम किस तरह से है। दिन के टाइम तो इनका फ्लेम नज़र ही नहीं आएगा आपको, मतलब कि जब रोशनी के अंदर चलाएंगे ना तो फुल ब्लू कलर में फ्लेम है, और जब जैसे ही आप मतलब लाइट ऑफ करेंगे तो उसका फ्लेम आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा राउंड शेप के अंदर, ठीक है। इसके ऊपर ये जाली आपको नज़र आ रही है, ठीक है। ये चादर की जाली, ऊपर लोहे की टिक्कियाँ लगी हुई हैं, इसके ऊपर से पतीली वगैरह जो है वो स्लिप नहीं होगी, ठीक है। और इस तरह से ये स्लिम है, ठीक है बिल्कुल। और ये लेटेस्ट मॉडल के अंदर आते हैं, ठीक है। ये चाइना मॉडल है, एक होता है पाकिस्तानी मॉडल सानियो, वो इसकी कॉपी करके बनाया गया, लेकिन ये उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा। एक तो ये ऑटो है, दूसरा ये है ये कलर बॉडी में बहुत ज़्यादा डिज़ाइन इसमें मिल जाएंगे आपको। 03119875557 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिज़ाइन इसमें आपको मिल जाएंगे, जैसे कि वो पीछे डिज़ाइन इसके लगे हुए हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे नीचे पे इसके अंदर गोल्डन में भी मिल जाएगा आपको। और ये इसका ऊपर जो पेंट हुआ हुआ है ना, पेंट नहीं, ये एक शीट होती है मुकम्मल स्टील की जिसके अंदर ये प्रिंट हुआ है। ये हीट से नहीं ख़राब होगा, कोई चीज़ गिरने से नहीं ख़राब होगा, ये सिर्फ एक तरीके से ख़राब हो सकता है कि जब आप इसको कूची के साथ रगड़ते हैं तो वो इसके स्क्रैच हो जाएगा, फिर स्क्रैच स्टील है तो फिर स्क्रैच ये हो जाएगा। दूसरा ये है इसकी बर्नर की क्वालिटी की अगर बात करें तो ये बर्नर देगी लगा हुआ है नीचे, ठीक है ये देखें। और ये डबल नाली वाला बर्नर है, अभी प्लास्टिक है इसके ऊपर, ये देखें ये देगी बर्नर है, बड़ा वेट है इसका बहुत ज़्यादा। और ये जो पत्तरियाँ लगी हुई हैं ऊपर, यहाँ से आप इसकी ऑक्सीजन कंट्रोल कर सकते हैं। एक ये देखें पाइप नीचे छोटे बर्नर की तरफ जा रहा है, एक बड़े राउंड शेप की तरफ जा रहा है, ठीक है। जब आपने चावल वगैरह को दम देना होता है तो फिर आप बटन को फुल मूव कर देंगे तो वो सिर्फ नीचे वाला छोटा हिस्सा जो है वो चलाएगा, चलेगा इसका, ठीक है। ये देखें ये नीचे वाला, ये छोटा चलेगा, जब आप उसको सेंटर में रखेंगे दोनों चलेंगे, और चलेंगे ऐसे कि इसका फ्लेम जो है वो ऐसे राउंड शेप में आप देखेंगे, ठीक है। इसको ऑर्डर करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं और यहाँ से भी आके ले सकते हैं, 4500 विद डिलीवरी प्राइस है इसकी आपके घर तक। और विलेजेस में डिलीवरी का थोड़ा इशू होता है, मेन सिटीज़ में आपको पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा इसको मैं ऑन करूँ, ऑन करके सिलेंडर पे आपको दिखाऊँ कि ये बर्तन काले नहीं करेगा बिल्कुल भी, गारंटी के साथ। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको वीडियो बना के इसकी दिखाऊँगा, आप ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा भी सकते हैं, यहाँ से भी आके ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, इसको जब ऑन करके मुकम्मल वीडियो मैं फिर से अपलोड करूँगा, वो भी आप देखिएगा ताकि इसका फ्लेम वगैरह आपको पता चल सके। अस्सलाम वालेकुम।